नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं जाहिर आलम अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुप्रतीक्षित फैसले को लेकर आज कोलांचल हाई अलर्ट पर रहा। निरसा के विभिन्न चौक चौराहे तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की चौकसी और निगरानी चल रही है। शनिवार की सुबह SDPO विजय कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में पारा मिलिट्री पुलिस बल और कई थाना के अधिकारियों ने चिरकुंडा, तालदांगा, सिवलीबाड़ी आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया, साथ ही लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। इस दौरान लोगों से पुलिस के अधिकारी भाईचारा एवं अमन की अपील करते देखे गए। साथ ही SDPO विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि फैसले के बाद सभी समुदाय के लोग समर्थन दे रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं और सभी अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त हैं। आज हम लोग जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाले हैं जनता को यह संदेश देने के लिए कि शांति बनाए रखें। अयोध्या के मामले में जो जजमेंट आया हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इस निर्णय को सभी जनता को स्वीकार होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन धरना या यहाँ तक कि आतिशबाजी गुटबाजी करने पर भी मनाही है। किसी भी तरह का इस तरह की गतिविधि पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम सभी जनता से शांति की अपील करते हैं और जो भी निर्णय है उसका सभी को स्वागत करना। मीडिया पर हम लोग का पैनी नज़र है। सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में अगर किसी भी तरह का कोई भी पक्ष अगर भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उसके बीच हम लोग ITX के तहत कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने शुरू से ही इस संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सभी ग्रुप एडमिन को भी बताया गया है कि उस पर नज़र रखें और किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या ट्विटर पर ना करें। ठीक है सर। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को निर्देश दिया गया कि अभी कल और परसों दो दिन जो एक ईद उल मिलाद नबी का जुलूस निकलने वाला है और सिखों का जो प्रकाश पर्व उसको लेकर जुलूस निकलने वाला है उसको लेकर के हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। साथ ही आज जो अयोध्या का जो जजमेंट आने वाला है उसको लेकर भी हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस रहे कि सभी जगह फोर्स आ चुका है, कहीं कोई अफवाह पे ध्यान ना दे, कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले, कहीं कोई 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 गलत व्हाट्सएप पे मैसेज ना फैलाएं। अगर जो भी व्हाट्सएप पे गलत मैसेज देंगे उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक माहौल सभी जगह ठीक है। तो अभी तक कहीं पर कोई ऐसी अप्रिय सूचना? अभी कोई सूचना नहीं मिली है। अभी हम लोग बैंक मोड से लेकर के अभी वासीपुर तक किए थे, अभी हम लोग भूरी में जाकर कोशिश करेंगे। आज दिन भर हम लोग ये फ्लैग मार्च और मूवमेंट ऑफ फोर्स हर जगह रहेगा, सभी जगह चल भी रहा है, कुछ ग्रामीण एरिया में, टाउन में, हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए उसमें भी एक बनाया गया, उसमें भी नज़र रखी जा रही है। जो भी अगर सोशल मीडिया के जो ग्रुप एडमिन है या जो भी कोई पोस्ट करेगा, कोई भी ऐसा गलत मैसेज देगा, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेल में। शुक्रिया। कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा और पढ़ा भी और फैसले से मुतल्लिक हमारा ये ख्याल है बहुत अच्छा फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं, खैर मकदम करते हैं और मैं अपनी तरफ से भारत के सारे हिंदू भाइयों को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आपके हाथ में फैसला आया, इतना से आप राम मंदिर बनाए। आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। जहनी तौर पर भी मैं यही चाह रहा था कि ये फैसला हमारे हिंदू भाइयों के हक में आए तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा ही किया इसलिए कि हिंदुस्तान के सारे हिंदू भाइयों का एक आत्मात्मिक रूहानी रिश्ता वहाँ से बना हुआ था और सबों की ये ख्वाहिश थी, सबों की ख्वाहिश थी कि वहाँ भी आसान नहीं था, इसलिए हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और सारे हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अमन, शांति, बराबर अपना राम मंदिर करेंगे। सुना चाहते हैं कि जो फैसला सामने आया है सारे मुसलमान भाइयों को भी कहूँगा कि इस फैसले का खैर मकदम करें और हम शांति बनाए रखें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार के साथ। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद मसूद अख्तर कादरी है, जामा मस्जिद सिवलीबाड़ी, कुमारदेवी।
निरसा के गल्फरवाड़ी मोड़ मैरिज हॉल में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी द्वारा बूथ स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निरसा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मीडिया से बात करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य अशोक मंडल ने बताया कि लेफ्ट से किसी प्रकार की गठबंधन की बातें नहीं हो रही थी। आज गठबंधन साफ हो गया है, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। अन्य दल से गठबंधन की कभी भी किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। अशोक मंडल ने कहा कि बिजली, पानी, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। इस समय का हमको इंतजार था, ये समय आ गया है। बोलना चाहेंगे दोस्तों, कंपनी के बारे में आप लोग के बीच में देखिए, आप पूछने का पूछिए, लेकिन कभी ऐसा बात हो सके प्रेस मीडिया में आया होगा, लेकिन हमारा नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कभी लेफ्टिस्ट के साथ क्या बोलते झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई गठबंधन होगा। जब गठबंधन आज के दिन में बहुत स्पष्ट हो गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस और सबके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन हुआ है। ये कल हमारे ज्वाइंटली क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता घोषणा करने का किस मुद्दे के लेकर आप जनता बहुत सारा है। पहले तो हमें लड़ाई करके अलग राज जरूर मिला है, और राज के साथ साथ लोगों को सामान्य चीज जो जरूरत है, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे बेरोजगार की बात हो, बहुत सारे ऐसे समस्या है जनता के बीच में जाने का काम हम लोग करेंगे। तो बताया जाता है उसका जो कमियां है उस बात को सामने लाने का काम करेंगे, और हमने जो अच्छाई किया है, हमारा दल ने किया है, उसको सामने रखने का काम।